छोटे बच्चे स्पेशली न्यूबॉर्न स्टेज में जिस टाइम पे उनका पीपी एंड पूपो का काउंट उनकी एक्टिविटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रहता है, उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए उनके लिए नैपी यूज़ करना जितना अनकंफर्टेबल अनकन्वीनियंट होता है, उतना ही बच्चों के लिए वो अनईजी और अनहाइजीनिक होता है वर्सेस द डिस्पोजेबल डायपर जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सुपर सुपर कन्वीनियंट है, एट द सेम टाइम बेबी के लिए फ्रेंडली है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पोजेबल पर यूज करने के डूज एंड डोंट्स, ताकि आप अवॉइड कर सके रैशेज और मेक श्योर कर सके कि वो आपकी बेबी की स्किन के लिए फ्रेंडली है। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप बेबी का डायपर 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम बदल दें, इरिस्पेक्टिव बेबी ने डायपर गंदा किया है या नहीं। इन केस बेबी ने पू करी है तो इमीजिएटली डायपर को चेंज करिए टू अवॉइड एनी रैश या इन्फेक्शन एंड टू मेंटेन अ गुड हाइजीन फॉर योर बेबी। डायपर फ्री टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बेबी की स्किन को ब्रीथ करने दें इन बिटवीन डायपर्स। मैंने अर्षा के साथ क्या किया, जब भी मैं उसका डायपर चेंज करती थी दूसरा डायपर लगाने से पहले उसको मैं 1 से 2 मिनट देती थी ताकि उसकी स्किन ब्रीथ कर सके, उसका जो मॉइस्चर है उसके जो बट्स है वो एयर ड्राई हो सके। होता क्या है बेसिकली, अगर बट्स पे मॉइस्चर है तो वो ट्रैप हो जाता है डायपर में और वो फ्यूचर में रैश क्रिएट कर सकता है। सो डायपर फ्री टाइम इज मस्ट फॉर एनी बेबी, स्पेशली इन बिटवीन दोज डायपर चेंज। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी 2 टिप्स जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं बेबी के रैशेस को। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ अ वीडियो टू फाइंड आउट कि वो क्या टिप्स हैं। So just a quick reminder, please don't forget to give us a thumbs up, subscribe to our channel Mom's Mantra and click on that notification bell. करेक्ट साइज एंड परफेक्ट फिट, ये 2 चीज़ें हैं जो हैंड टू हैंड जाती है। आजकल मार्केट में जो भी डायपर्स अवेलेबल हैं उनके साइज़ के हिसाब से उनका वेट लिखा होता है। इन केस फॉर एग्जांपल स्मॉल साइज़ आपके बेबी के लिए 3 to 8 kg के लिए रेफर किया जाता है, तो अगर आपके बेबी का वेट इन बिटवीन है आप साइज स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। इफ इन केस आपके बेबी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड दे आर मूविंग इन बिटवीन द साइज, तो द बेस्ट सॉल्यूशन आई वुड से इज द टाइम। आप थोड़ा वेट करिए, अपने बेबी को 1 हफ्ता दीजिए ताकि वो आउटग्रो कर जाए स्मॉल साइज में और नेक्स्ट डायपर के लिए रेडी हो। क्योंकि होता क्या है, सम टाइम हम बहुत जल्दी ही बेबी को 1 साइज अप यूज़ करना शुरू कर देते हैं जिससे कि पीपी या पूपू सिर्फ डायपर्स में से ईजिली लीक हो जाता है और वो उतना ही अनकन्वीनियंट और अनईजी हो जाता है बेबी के लिए जितना कि एक स्मॉल साइज डायपर यूज़ करना। Use ruffles, yes, that's the magic word जो most of the parents को नहीं पता होता। हर diaper company जो diapers बनाती है उसके अंदर 2 ruffles होते हैं, एक inner and outer। Make sure करिए जब आप baby का diapers पूरा पहना देते हैं तो उसका जो outer ruffle है उसको आप बाहर की side निकालिए। ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है एज अ बैरियर किट ताकि आपके बेबी का पीपी या पूपू उसमें से लीक ना हो और वो टाइटली सिक्योर रहे। जब भी आप बेबी को क्लीन करते हैं आफ्टर अ डायपर चेंज, मेक श्योर करिए कि आप बेबी को वाइप करें फ्रॉम फ्रंट टू बैक। उससे क्या होगा कि आप अवॉइड कर रहे हैं जर्म्स का स्प्रेड करना और स्पेशली आप बेबी को रिस्क पे नहीं रख रहे हैं UTI से, जिससे कि बेबी को यूरिनरी ट्रैकिंग इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड, स्पेशली अगर आपकी बेबी गर्ल है जिनके केसेस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये सारे डूज थे जो हमने अर्षा के साथ थॉरली फॉलो करे उसके डायपर चेंज रूटीन में। अब बात करेंगे डोंट्स की, वो चीज़ें जिसकी हमने प्रिकॉशन लेनी है, वो मिस्टेक जो हमने अवॉइड करनी है बेबी के डायपर चेंज के टाइम पे। पहले हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि कभी भी गीले बम पे बेबी के नया डायपर ना लगाए, उसको एयर ड्राई होने दीजिए। अगेन आई विल से दैट, उसको सूखने दीजिए बिफोर यू यूज़ अ न्यू डायपर। नेक्स्ट हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपनी बेबी के बम्स पे बिल्कुल भी पाउडर ना लगाइए। होता क्या है, लोग एडवाइस करते हैं कि बेबी के बम्स को जल्दी से ड्राई करने के लिए थोड़ा पाउडर स्प्रिंगल कर लो ताकि उनको स्वेटिंग भी ना हो, पर डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आप पाउडर अगर यूज करेंगे तो वो इनहेल हो सकता है बेबी के लंग्स में और आप अपने बेबी को एक हार्म रिस्क पे रख रहे हैं। तो
हम आपको स्ट्रॉन्गली एडवाइस करेंगे, बिल्कुल भी अपने बेबी के लिए पाउडर यूज़ मत करिए। मैंने कभी अर्षा के साथ पाउडर यूज़ नहीं किया। पाउडर जितना बड़ों के लिए अनहेल्दी है और उतना ही छोटों के लिए अनहेल्दी है, स्पेशली हमारे छोटे बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग। ये आपकी चॉइस है कि आप बेबी के पाम्स कॉटन क्लोथ से क्लीन करना चाहते हैं या फिर वाइप से क्लीन करना चाहते हैं, बट प्लीज़ मेक श्योर जब आप वाइप्स यूज़ करें तो वो अल्कोहल फ्री, केमिकल फ्री और फ्रेगनेंस फ्री हो, इन शॉर्ट वो हाइपो एलर्जिक हो। ऑन द सेम साइड अगर आप कॉटन क्लोथ यूज़ करते हैं तो इन्श्योर करिए कि वो बहुत क्लीन सॉफ्ट कपड़ा है और साफ़ सुथरा क्लीन कपड़ा है बिफोर आप अपने बेबी के पाम्स उससे क्लीन करें। सो नेक्स्ट इज सोप। हमारे डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया था हमें बेबी के पम्प्स को सोप से क्लीन करना, क्योंकि होता उससे क्या है, उसका बीएच बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है और जिससे कि उसकी स्किन ड्राई रहती है एंड इवेंचुअली उसको रैशेस हो जाते हैं। इसकी बजाय व्हाट आई यूज़ टू डू, मैंने एक डीआईवाई किया था घर पे, ऑलिव ऑयल और वाटर का 1:1 रेशियो बना के मैंने बॉटल में रखा हुआ था और हर टाइम जब भी हम डायपर चेंज करते थे तो हम ये थोड़ा सा स्प्रे करते थे अर्षा के पाम्स में और इससे उसको पाम्स को हमने क्लीन किया है। नेक्स्ट इज डायपर को टाइट ना बांधे। जब भी हम अर्षा के डायपर चेंज करते थे तो हमारा एक रूल हमने बनाया हुआ है, 2 फिंगर रूल, जो हम इंश्योर करते थे कि उसकी येलो स्ट्राइप्स के बीच में 2 फिंगर गैप है ताकि उसको इनफ रूम मिल सके ब्रीथ करने के लिए और उसको रैशेस अवॉइड हो सके अलॉन्ग द थाइज जो हो जाते हैं बेसिकली टाइट डायपरिंग से। अगर आपका बेबी डायपर रैश से सफ़र कर रहा है, हेयर आर द 2 टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी। फर्स्ट, कोकोनट ऑयल की मसाज रोज़ अपने बेबी को दीजिए और अवॉइड करिए सोप यूज़ करना उस एरिया में। कोकोनट ऑयल वी ऑल नो इज़ वेरी गुड फॉर आर स्किन, वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और अगर आप उसको वाइप आउट करेंगे थोड़ा सा पानी से बाद में इंस्टेड ऑफ सोप, इट्स परफेक्टली क्लीन, इट्स स्टिल देयर, वो आपकी स्किन को, आपके बेबी की स्किन को फिर भी हाइड्रेट कर रहा है। टिप नंबर 2 इज़ कम्प्लीटली कट डाउन ऑन सोप फॉर बेबी, स्पेशली उस एरिया में। जितना आप सोप से अपने बेबी का एरिया क्लीन करेंगे उतनी स्किन उसकी ड्राई होएगी और इवेंचुअली रैशेस की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। इस टाइम पे उसको जितना आप एयर ड्राई कराएंगे उतना बेबी के लिए, उसके बम्प्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेट बेबी इन्जॉय दैट ओपन एयर फॉर अ वाइल। इन एडिशन टू दिस आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपके बेबी को डायपर रैश नहीं है तो प्लीज़ डायपर रैश क्रीम अननेसेसरी हर डायपर चेंज पे बेबी पे नवात लगाइए। होता क्या है, पेट्रोलियम जेली या फिर कोई भी डायपर रैश क्रीम जो आप बेबी के बम्स पे लगा रहे हैं वो आप स्प्रेड आउट करते हैं तो बेबी की स्किन के अराउंड एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है जिससे बेबी की स्किन ब्रीदिंग नहीं कर पाती है। बेबी के पम्प इज जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी जिसकी स्किन को ब्रीदिंग करने की बहुत ज़रूरत है टू रिमेन फ्रेश। सो ये सारे डूज एंड डोंट्स थे जो अर्षा के साथ हमने फॉलो करिए एंड लकली इन दैट 6 मंथ्स हमें कोई भी एक दिन नहीं मिला जिसमें अर्षा को रैश हुआ हो। आई होप ये वीडियो आपके भी बहुत काम आएगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा टू यूज़ डिस्पोजेबल डायपर्स अपने बेबी के लिए। इफ़ यू लाइक टूडेज वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ बिग थम्स अप। सो मदरहुड एक बहुत चैलेंजिंग जर्नी है जो टाइम टू टाइम बहुत लोनली भी रह जाती है। अगेन हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होते हैं बेबी के हर स्टेप को लेके, हमें क्या रेफर करें, किससे एडवाइस ले। मॉम्स मंत्रा के थ्रू हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी टिप्स एंड एडवाइस ऑन द फर्स्ट गो मिले, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।